गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ज्योति लोबंसी और आज सर आपने मुझे मेरी वीडियो में देखा होगा कुछ अलग करते, मतलब ये मैं नहीं करती हूँ जो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में, वो बिल्कुल अलग होने वाला है। तो हम आपने ज़्यादातर मुझे देखा होगा कि मैं मेकअप हैक्स ही ट्राई करती हूँ, बाकी ये सब नहीं करती हूँ। मैं मतलब ब्लॉग्स बताती रही हूँ, जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग होने वाला है इस तरह का। तो मैंने देखिए इस तरह से सफाई शुरू की है, क्योंकि मेरे रूम में बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो गई थी और ज़्यादा ही मतलब ख़राब हो गया था इसलिए। तो नॉर्मली हमारी बालकनी पे ही ज़्यादा कचरा होता है, जैसे कि अभी लोग बनाते नहीं हैं, पर हाँ हम लोगों के पास है तो हम बनी है, तो इस पर सामान डेकोरेशन का रखते हैं। तो सारा डेकोरेशन का सामान मैंने एक जगह जैसे कि आपको दिख ही रहा है वहाँ पर इकट्ठा कर दिया है, और इसके बाद इस पर एक पॉलीथिन बिछी थी जिससे कि इसमें बारिशों में सीढ़न ना आए, इसलिए मैं एक पॉलीथिन बिछा लेती हूँ। तो ये पॉलीथिन वो वाली है जो वो पैकेजिंग में आती है बबल्स वाली, वो तो इसको मैंने पूरा नहीं हटाया क्योंकि मैंने अभी एक महीने पहले ही अभी मतलब सफाई की थी। तो वो जो टंकी रखी है उसको नहीं हटाया क्योंकि वो बहुत भारी है और वो उतारने में मेरा हाथ भी नहीं फूटता, तो मैंने बस पॉलीथिन झटका दी और बालकनी को झटका कर उसको फिर से सेट कर दिया है। और अब हम करेंगे पंखे को साफ, क्योंकि इसमें सबसे पूरे घर का कचरा इसी में लगा हुआ है। तो नॉर्मली ये मुझसे हुआ नहीं था, फिर मैंने इसको देखी इतना कचरा हटने के बाद भी ये पूरी तरह गंदा था। और अब हम इसको एग्जॉस्ट को साफ करेंगे, जो कि दिखने में बहुत क्लीन दिख रहा है, बस इसके अंदर इतना सारा कचरा था कि मैं निकाल कर तक गई, कम से कम 10 से 15 मिनट लगे तो भी पूरा नहीं निकला है। और आखिरी में आप लास्ट में देखना कि मेरा ये पंखा साफ करते करते क्या हाल हो गया था। और ये इसका ढक्कन थोड़ा सा लूज हो गया था, तो मैं इसको टाइट करने वाली थी, इसके बाद मैंने गीले कपड़े से पोंछा तो ताव ये बाहर से तो काफ़ी ज़्यादा क्लीन और वाइट दिखने लगा था, बट इतना क्लीन ये है नहीं था। पीछे से ये इतना सारा इसमें डस्ट भरा हुआ था, बहुत सारा डस्ट भरा हुआ था। तो हम आपको देखने में ये सिर्फ 10 या 15 मिनट लगे होंगे, पर मुझे पूरे 3-4 घंटे सफाई करने में लगे थे। मतलब मैं बहुत जल्दी जल्दी भी सफाई करती हूँ तब भी इतनी सारी डस्ट हो जाती है कि सब चीज़ को एक एक चीज़ को पहुँचने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। और ये देखिए इसको भी मैंने साफ़ किया, हर एक चीज़ को मैंने गीले कपड़े से एकदम फिर से पोछा। और ये देखिए झाड़ू बांध के मैंने ये जाले वगैरह जो धूल लग जाती है दीवार में वो भी निकाल दी सारी, और ये ऊपर मुंडी कर करके सारा मेरा निकलने वाली। ये मेरे कुछ डेकोरेशन वाला आइटम था, इनको मैंने साफ़ किया जो कि इस बालकनी पे हम रखेंगे, तो सबको पॉलीथिन से मैंने पैक कर रखा है जिससे धूल से ये निकल ना जाए। और ये मेरा खुद का DIY है जो कि मैं बनाती थी पहले क्राफ्टिंग वगैरह का, तो वीडियो भी है इसका मैंने बना हुआ है। और फिर इसके बाद मैंने ड्राई क्लीनर को, ये क्या बोलते हैं, हाँ ड्राई क्लीनर नहीं बोलते यार इसको, हेयर वो बोलते हैं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं मैं भूल गई, मतलब अभी इसका कर आ नहीं रहा है मुझे। फिर इसमें जो कुछ सामान रखा था उसको मैंने पूरी तरह से साफ़ करके एक एक सामान को पूरा पोंछना है, और बाकी थोड़े दिन बाद फिर से धूल हो जाएगी। पता नहीं हम लोगों के घर में इतना सारा धूल कहाँ से आ जाता है, धूल ही धूल हो रही है। तो मैंने बहुत सारा, जब मैं सफाई करती हूँ तभी बहुत सारा सामान फेंकती हूँ तो भी बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान निकल जाता है। तो मैंने ये गोदरेज को अच्छे से पोंछ कर इसको अंदर से वैसे पेंच कर से, मतलब इसके बालकनी अड़ी हुई है तो धूल मिट्टी निकल नहीं पाती, इसलिए पेंचकस से कपड़ा डालकर। और देखिए ऊपर की सीलिंग तो पूरी तरह से हो गई है, पर पूरा सारा कचरा नीचे आ गया है। अब हमारा असली संघर्ष शुरू होता है। और अब देखिए कि मैं आपको देख लीजिए, मैं सबसे गंदी लग रही हूँ, घर तो क्लीन हो गया पर मैं बहुत गंदी हो रही हूँ। अब इसको बेड के नीचे से हमें कचरा निकालना, जो कि पूरे ने बहुत सारा इसके अंदर कचरा कर दिया हुआ था। तो भी देखिए झाड़ू फंस गई है, ऐसे तरह के डंडे से झाड़ू बांधी है इसलिए अंदर से निकल पाता है। और अब मैं पूरा कर रही हूँ तो पूरा ही करूँगी, ड्रेसिंग व्रेसिंग को भी इस तरह से खसका कर। देखिए ड्रेसिंग के पीछे इतना सारा सामान मुझे मिला, ये कि जो बॉयज़ वाला मेरा माइक था वो भी मैं बहुत दिन से खो गया था, ढूंढ रही थी मिल ही नहीं रहा था, जो कि इसके अंदर मिल गया है। फिर मैंने जल्दी जल्दी से इस तरह की सफाई की और देखिए पूरा कचरा घर का ये यहाँ पे आके इकट्ठा हो गया है। और अब देखिए ये एक जास के अंदर कितना सारा धूल, मेरा तो मोए मोए हो गया पूरा। अब जा रही हूँ मैं नहाने के लिए, क्योंकि घर तो क्लीन हो गया पर मैं बिल्कुल एकदम गंदी सी हो गई। मैंने नहा लिया है और अब बच सके हैं, पूरे बज चुके हैं 3, में 10 बजे से लगी थी सफाई करने के लिए और 3 बज गए, बस क्लीन लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि हम जिस दिन सफाई करते हैं उस दिन हमारा बहुत अच्छा लगता है मतलब रूम। और देखिए रितु सो भी गया है और अब हमारा पूरा क्लीन लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, 2-3 दिन अच्छा लगेगा और फिर से पता नहीं कहाँ से डस्ट आ जाती है।
तो फिर से वैसा ही लगने लगता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये देखिए आपको शाहिर खान खाने के लिए आ रहा। तो फिर अच्छा, मिलते हैं अगले वीडियो।